नमस्कार फ्रेंड्स, विशेष ग्रीन लाइट पे आप सबका स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों से सिंगोनियम पोडोफाइलम एल्बो वेरिकेटा के बारे में शेयर करूंगी। शेयर आई मीन उसके बारे में थोड़ा सा बातें करेंगे और फिर उसको मैंने प्रोपोगेट भी किया है, तो वो प्रोपोगेशन विद अपडेट मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आई एम वेरी सॉरी, मुझे बहुत ख़राब लग रहा है। मैं एक महीने पहले इसका जो प्रोपोगेशन किया था कटिंग, उसका वीडियो रखा था। अभी एडिट करने के समय वो वीडियो मेरे से डिलीट हो गया और इसका कोई कॉपी भी नहीं है, तो इसलिए मैं वो वाला पोर्शन आप लोगों से शेयर नहीं कर पाऊँगी फ्रेंड। मगर मैं उसका अपडेट और अभी कैसा है कटिंग वो सब आप लोगों से शेयर करूँगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज सिंगोनियम एल्बो पोडोफाइलियम एल्बो वेरिगेटा। ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट है फ्रेंड। ये मैं जब खरीदी थी तब तो क्वाइट रेयर प्लांट था और क्वाइट कॉस्टली भी था, और अभी ये बहुत इजीली नर्सरी में और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में मिलता है। तो ये बाकी सारे सिंगोनियम की तरह ही इसका केयर और सब कुछ है, जो मैंने एक वीडियो सिंगोनियम के केयर के ऊपर बनाया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वो आप देख लीजिएगा। सिर्फ इसके जो केयर के लिए जो अलग से मैं कहना चाहती थी आप लोगों से, दैट इज़ इसके लाइट की रिक्वायरमेंट को ज़रा ध्यान देने की ज़रूरत होती है, क्योंकि इसकी लाइट अगर इसको अच्छी तरह से ना मिले तो इसका खूबसूरत सा वेरिएशन चला जाता है। आई मीन ये बहुत इजीली लाइट के गड़बड़ी के कारण ग्रीन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये एक्चुअली एल्बो है, इसका ये वेरिएशन ही इसकी खूबसूरती है, तो इसलिए इसका अगर वेरिएशन चला जाए तो शायद किसी को अच्छा नहीं लगेगा। हालांकि मुझे इसका जो ग्रीन फुल ग्रीन कन्वर्टेड पोर्शन है वो भी अच्छा लगता है, दिखने में ख़राब नहीं लगता है। तो ये देखिए फ्रेंड, वीडियो में मैंने दे दिया है, ये कटिंग किया हुआ पोर्शन था और ये वाला अभी उस कटिंग से कटिंग वाला पोर्शन का देखिए कितना बड़ा हो गया है। ये देखते ही देखते ये बहुत ही फास्ट ग्रोइंग प्लांट है फ्रेंड। सिर्फ जो इसका लाइट की रिक्वायरमेंट ये अच्छे देने से, बाकी सारे नॉर्मल सिंगोनियम की तरह ही है। इसके जो कटिंग था उसको मैंने लेका में दिया था, उसका अपडेट भी मैं आप लोगों से शेयर करूंगी। ये मैंने ये 7 इंच का पॉट में लगाया था फ्रेंड, देखिए। तो फ्रेंड मैं एक चीज़ जो आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ, मैं प्लांट्स के केयर के लिए जो कुछ भी चीज़ का इंग्रेडिएंट्स का ज़रूरत होती है, जैसे कि खाद, फर्टिलाइज़र, सॉइल मिक्स, परलाइट, कोकोपीट वगैरह, सब कुछ मैं ऑनलाइन परचेस करती हूँ, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगर आप लोग चाहें तो वहाँ से ख़रीद सकते हैं। मैं प्लांट को नर्सरी से ख़रीदना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, लेकिन ये जो सारे एक्सेसरीज होते हैं ये मैं ऑनलाइन ख़रीदती हूँ, उससे मुझे ज़्यादा ईजी होता है वो। वेलकम टू द वीडियो। ये देखिए, ये बहुत खूबसूरत प्लांट है। आई विल सजेस्ट यू एवरी वन शुड बाय दिस वन, दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल प्लांट। ये आपके कलेक्शन को बहुत ही एग्जॉटिक एंड बहुत ही खूबसूरत एक लुक देगा। तो ये तो हर किसी के प्लांट लिस्ट में ज़रूर होना चाहिए फ्रेंड। और ये बहुत इजी टू ग्रो है, सिंगोनियम के मोस्ट ऑफ वैरायटी इजी है, इजी टू ग्रो है, तो इसलिए मैं तो सजेस्ट करूँगी कि आप भी ये प्लांट अपने कलेक्शन में ज़रूर रखें। इसका वेरिएशन देखिए लीफ का, कितना खूबसूरत है ना कलर, बहुत अच्छा लगता है ये।
तो चलिए मैं आपको जो ये देखिए, ये मैंने छोटा छोटा करके सिंगल लो हर एक सिंगल नोट को लेकर मैं दे दिया था। ये जो लीफ देख रहे हैं आप, इसमें मोस्ट ऑफ लीफ, ये देखिए ये क्यूट छोटा सा क्यूट वाला, ये सब न्यू ग्रो हुआ है फ्रेंड्स। बस इसमें ये येलो हो गया है ये नोट, और इसका ही ये फुल ग्रीन वाला एक लीफ निकला है। मैं देखूंगी शायद इसका सेकेंड लीफ वेरीगेटेड निकल जाए, और अगर नहीं भी निकलेगा तो भी मैं इसको ऐसे ही रख दूंगी, क्योंकि ये मुझे ऐसे में भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो इसलिए ये था मेरा वीडियो। तो ये था आज का वीडियो। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज क्लिक ऑन द लाइक बटन टू एनकरेज मी, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।